बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट विद राबिया के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़क चाय, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 कप पानी। चाय मैं 3 कप बना रही हूँ, तो इसमें मैं डालूँगी सॉस पैन में 1 कप सबसे पहले पानी। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद छोटी इलायची सब्ज वाली तोड़ के हम डालेंगे इसको, और फिर इसमें जाएगा अदरक का छोटा सा टुकड़ा। बड़ी मज़े की चाय बनती है ये कड़क वाली। आप अपने लिए बनाएं, मेहमानों को पिलाएं, कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। ये तो पानी को हमारे बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो छोटी इलायची, 2 अदद मैंने डाली है तोड़ के, और अब मैंने डाला है दालचीनी का टुकड़ा। बड़ा हो तो 1 डाल लें, छोटे छोटे टुकड़े हों तो 2 से 3 डाल लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, जिसको मैंने छील कर छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। किसी भी कंपनी की चाय की पत्ती जाएगी इसमें, बड़े वाला चम्मच हो तो भर के डालें, टीस्पून है तो इसलिए मैं ये 2 ऐड करूंगी इसमें। इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जब अच्छी तरह से ये पानी इसका पक जाए तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। साथ साथ इसको हिलाते रहें ताकि ये पत्ती चाय की जो है वो किनारों को ना लगे। जी तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर निकला है इसका, ये देखें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध नॉर्मल वाला। आप चाहें फुल फैट यूज़ करें या फैट के बगैर, ये फुल फैट है जिसको जो आम नॉर्मल घर में यूज़ होता है, ये देखें। 3 कप बनाने हों तो आप इसमें 2.5 कप दूध ऐड करेंगे। जी तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। ये देखिए चाय को हमारी बॉयल आने लगा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है इसका। इसको पकने में कुल 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब जब इसको बॉयल आ जाएगा हम थोड़ी सी आग इसकी हल्की कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, और फिर इसको इसमें डालेंगे जैसे कि कॉर्नफ्लोर डाला जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। देखिए चाय का कलर जो है वो हमारा बहुत प्यारा निकला है। इस चाय को साथ साथ पत्ती को साफ भी करें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो जो मैंने दूध लिया था, खिलाएंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, जो कि मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इसका अच्छे से अदरक का असर निकल आए और दालचीनी वगैरह का। बहुत प्यारा कलर आया इसका। चाय जितनी ही ज़्यादा पकेगी उतना ही मज़े की बनेगी। तो चलें हम इसको सर्व करते हैं।